आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन क्या है? इट इज़ द लार्ज वेन डेट कैरीज ब्लड फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक। ये हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करता है। इंटेस्टाइन के अलावा स्प्लीन, पेंक्रियाज और गॉलब्लैडर से ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड कन्वे इट टू द लिवर। अब इसका काम क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब करती हैं वेन्स, दी स्मॉल वेन्स कम्बाइन टू फॉर्म अ लार्ज वेन कॉल्ड पोर्टल वेन। और ये लार्ज वेन कम्बाइन करती हैं और पोर्टल वेन बनाती हैं एंड पोर्टल वेन फिर जो है और कन्वेज ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन जो भी हमारे गट में एब्जॉर्ब हुई हैं चीज़ें उनको लिवर तक पहुँचाती हैं। सो दिस इज़ द पोर्टल वेन। अब देखते हैं हाउ इट इज़ फॉर्म। सो द पोर्टल वेन इज़ फॉर्म बाई द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन प्लस स्प्लेनिक वेन। अब दिस इज़ अ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है, और ये है पोर्टल वेन। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और ये जो हमारे पास लेफ्ट से आ रही है हॉरिजॉन्टली, दिस इज़ अ स्प्लेनिक वेन। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन दे बोथ कम्बाइंस टू फॉर्म अ पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन फिर आगे लिवर मैटर होती है। अब सुपीरियर आ गई, स्प्लेनिक आ गई। अब जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन है ना, इट डू नॉट ड्रेन इन टू द पोर्टल वेन, इट कम्बाइंस विद द स्प्लेनिक वेन। और फिर स्प्लेनिक वेन के साथ ये दोनों इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन ये कंबाइन करती हैं और फिर ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में एंटर होती हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पोर्टल वेन बनती है। सिंपली हम कहते हैं कि इट पोर्टल वेन इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड इन्फीरियर एंड स्प्लेनिक वेन। और जो बात याद रखनी है वो ये कि जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन है वो स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है। सो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन। इट इज़ फॉर्म भी, अब ये दोनों मिली हैं तो ये पोर्टल वेन बन गई। द पोर्टल वेन इज़ फॉर्म बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज। दिस इज़ द पेंक्रियाज जो हमने कट किया हुआ है तो इस रीजन में होती है नेक ऑफ पेंक्रियाज। इट इज़ जस्ट फॉर्म बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज और एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्री। अब आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट रन्स अपवर्ड एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट और नेक्स्ट इट पासिस बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। पहले यहाँ पर ये इट लाइज बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज, उसके बाद बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इतना क्लियर नहीं है, जो ये यहाँ पर ये हमें कट किया हुआ है ना, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो हमने कट किया। तो फर्स्ट पार्ट, हाँ इस पिक्चर में ज़रा क्लियर है, ये स्टमिक है और दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के एट द लेवल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, इसके पीछे बिल्कुल होगी नेक ऑफ पेंक्रियाज और उसके पीछे पोर्टल वेन। तो आफ्टर इसके बाद ये इट असेंड्स अपवर्ड। पहले फर्स्ट इट इज़ रिलेटेड टू द नेक ऑफ पेंक्रियाज, देन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, लास्टली इन द फ्री राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम। अब हमें पता है इस लेसर ओमेंटम एक्सटेंड फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमिक टू द लिवर। अब उसका जो लेटरल थिक एंड है ना उसमें ये रन करता है जिसमें हमने पढ़ा था कि पोर्टल ट्राइएड प्रेजेंट होता है। उसकी पिक्चर भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ द लेसर ओमेंटम डेट इज़ रनिंग अक्रॉस द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमिक एंड द लिवर। अब जो इसका लेटरल थिक एंड है ना, इस लेटरल थिक एंड में हमारे पास पोर्टल ट्राइड होता है। पोर्टल ट्राइड में हमारे पास पोर्टल वेन होती है, पोर्टल हेपेटिक आर्टरी होती है और बाइल डक्ट। इसके अलावा कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। तो ये मिलके पोर्टल ट्राइड बनाती हैं। तो ये थिक बैंड है ना, इसके अंदर हमारे पास होती है पोर्टल वेन। नाउ द वेन एंड्स इन द राइट एंड ऑफ द पोर्टा हिपेटिस बाई डिवाइडिंग इन टू राइट एंड अ लेफ्ट ब्रांच। पोर्टा हिपेटिस एक स्ट्रक्चर है लिवर के जो कुछ इन्फीरियर साइड पे, तो वहाँ पर ये टर्मिनेट कर जाती है इन टू राइट एंड अ लेफ्ट ब्रांच। अब राइट ब्रांच जो है वो शॉर्टर होती है और वाइडर होती है, वाइल द लेफ्ट ब्रांच इज लॉन्गर एंड नैरो। लेफ्ट ब्रांच जो है हमारे पास, जो राइट ब्रांच है सॉरी, राइट ब्रांच रिसीव्स द सिस्टिक वेन बिफोर इट्स टर्मिनेशन एंटरिंग, यानी कि लिवर होने से, लिवर में एंटर होने से पहले इसमें सिस्टिक वेन एंटर होती है। और जबकि जो है हमारे पास लेफ्ट
लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन इट रिसीव्स द ब्लड वेन्स फ्रॉम ऑफ द पैरम इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम पैराम्बिलिकल वेन्स जस्ट बिफोर इट्स एंटरिंग टू द लिवर। तो इस पिक्चर में नज़र आएगी पैराम्बिलिकल वेन। सो दीज आर द पैराम्बिलिकल वेन्स डेट आर एंटरिंग इन टू द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन एज जस्ट बिफोर इट्स एंटरिंग टू द इन द लिवर। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिलेशंस। सो सुप्रा ड्यूडिनल रिलेशन, रेट्रो ड्यूडिनल और इंफ्रा ड्यूडिनल। सुप्रा ड्यूडिनल का मतलब अबव द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। तो अबव द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंटीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू द हिपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास वेल सपोज करते हैं कि हियर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। तो इसके ऊपर होगी हमारे पास सुप्रा ड्यूडिनल स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टल वेन। तो सुप्रा ड्यूडिनल इज रिलेटेड टू द इंटीरियरली रिलेटेड टू द बाइल डक्ट और यहाँ पर ये जो कट है ना कट आर्टरी दिस इज़ द हेपेटिक आर्टरी। तो जो कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी कंटिन्यू होती है द हेपेटिक आर्टरी। तो इट इज़ इंटीरियरली रिलेटेड टू द बाइल डक्ट एंड हेपेटिक आर्टरी एंड पोस्टीरियरली रिलेटेड टू द इन्फीरियर वेना कावा। मेरे को थोड़ा थोड़ा दूर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ द इन्फीरियर वेना कावा। तो इंटीरियरली और पोस्टीरियरली इसके ये रिलेशन हो गए। नेक्स्ट है रेट्रो ड्यूडिनल। रेट्रो ड्यूडिनल का मतलब बिहाइंड या पोस्टीरियर टू द फर्स्ट यानी ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। अब इंटीरियरली इसके हमें पता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम ही होगा और बाइल डक्ट का कुछ पोर्शन होगा। इसके अलावा गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी होती है। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी हमने कहा था एक जैसे गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी देती है उसके बाद ये सेंड ऊपर कर जाती है। तो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी भी इसके इंटीरियरली लाया करेगी। मैं दिखाता हूँ इस पिक्चर में हम देखें तो दिस इज़ द रेट्रो ड्यूडिनल पार्ट ऑफ द पोर्टा हिपेटिस। तो इंटीरियरली हमने बाइल डक्ट पढ़ी, बाइल डक्ट इसके साथ रिलेट करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम और गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। दिस इज़ द गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी एंड दिस इज़ द पोर्टल वेन। और पोस्टीरियरली वही इसके भी पीछे हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा ही प्रेजेंट होगा। लास्ट में हम देखते हैं इंफ्रा ड्यूडिनल रिलेशंस। इंफ्रा ड्यूडिनल जो ड्यूडिनम से नीचे लाए करेंगे इंफ्राड्यूडिनली इट इज़ रिलेटेड टू द इंटीरियरली टू द नेक ऑफ पैंक्रियाज एंड पोस्टीरियरली टू द इन्फीरियर वेना कावा। ये है नेक ऑफ पैंक्रियाज और जो फर्स्ट पार्ट है ना उसके बिल्कुल नीचे ही इंफ्राड्यूडिनल पार्ट होता है। तो कुछ पार्ट ऑफ उसमें हमारे पास जो इंफ्राड्यूडिनल पार्ट है कुछ पार्ट उसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम भी इंटीरियरली रिलेट करता है लेकिन हम ज़्यादातर उससे कंसिडर नहीं करते। तो वी विल से डेट इंटीरियर इज रिलेटेड टू द नेक ऑफ पैंक्रियाज एंड पोस्टीरियरली टू द इन्फीरियर वेना कावा। अब चाहे वो सुप्रा ड्यूडिनल पार्ट हो, रेट्रो ड्यूडिनल हो या इन्फ्रा ड्यूडिनल हो, पोस्टीरियरली वो हमेशा इन्फीरियर वेना कावा से रिलेट करेगा। सो दिस वॉज अबाउट हमारे पास पोर्टल वेन। लास्ट में हम इसकी ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। इसमें हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल वेन, सिस्टिक वेन और पैराम्बिलिकल वेन। सिस्टिक वेन हमने कहा था कि राइट ब्रांच में ड्रेन करती है पोर्टल वेन की और पैराम्बिलिकल लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। सो ये हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ रही है डेट इज ड्रेनिंग इनटू द पोर्टल वेन। इस तरह हमारे पास राइट गैस्ट्रिक वेन भी होती है जो यहाँ पर शायद नहीं दिखाई हुई और वही सुप्रा पैंक्रियाटिक ड्यूडिनल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्टल वेन। और नेक्स्ट अब लेक्चर में हम देखेंगे पोर्टोकेबल एनेस्टमोसिस।